से छलांग मारकर जो है वो आ गई हूँ बाजी के घर। बस अभी अभी जो है मैं नहा धोकर जो है वो जल्दी जल्दी से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई और अभी बाजी के घर आ गए हैं, क्योंकि उसमें बाजी यहाँ पर स्टे करने के लिए आई हैं। तो फिर मैं भी साथ आ गई थी, कल चली जाऊँगी, लेकिन मैंने कहा चले जाएँ और मिस नहीं करना चाहिए इस मौके को। और जो है फिर मैं जो है वो जल्दी से आ गई थी। हाँ जी, तो हम यहाँ पर आए हुए थे, बैठे हुए थे और अभी बातें कर रहे थे। हाय, तो ये है रियान और रियान बैठा हुआ है और मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ। अभी मज़े से हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है, और बस और बच्चियाँ भी यहाँ पर हैं और बस मैं काफ़ी मसरूफियत थी इसलिए मैं भाग कर आई हूँ। बच्चियाँ मुझे रोक रही होती हैं नॉर्मली। हेलो माला, हाउ आर यू? फाइन। मुझे मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा। आज आप काफ़ी देर से मेरे व्लॉग में नहीं आई हो। हाँ, कैसी हो माला? ठीक हूँ, हैप्पी हो? मैं आपके घर आई हूँ। और बाल भी बनाए, फंक्शन के आखिर में जैसे बनाए थे फ्रेंच टेल। ओके ठीक है, सही है, अभी बनाती हूँ। दो या एक? एक। हाँ जी, तो आयशा बाजी ने हमें जो है वो टी पार्टी पे जो है वो इनवाइट किया हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं, प्यारी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं, मज़ेदार चीज़ें मुझे यहाँ से नज़र आ रही हैं और अभी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और टी पार्टी में क्या क्या है माला, आपको तो पता होगा, है ना? सीक्रेट है। चलो सही है, जब टेबल पे जाएंगे सर्व होगा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और वाकई में मेरी टेम्पटिंग टेम्पटिंग सी जो है वो खुशबू आ रही है, ठीक है, खुशबू माला। ठीक जी, तो अब यहाँ पे जो है वो लग चुकी है, टी पार्टी रेडी है, तो अभी हम लोग बैठेंगे और मज़े से इंजॉय करेंगे ये सारा फूड। जो रम्मी माला बताएं क्या क्या है? दिस इज अल्फ्रेडो पास्ता, वेरी गुड। ये कबाब है, कटलेट्स, दीज आर द पफ्स, ओके, एंड दीज आर द दही बल्ले, दही बल्ले, एंड दिस इज समोसास एंड रोल्स, रोल, थैंक यू माला। चलो भाई, शफीक अहमद, रोटी खुल गई है, टूट पड़े आप लोग सब, है ना? ओके जी, अब हम लोग बैठ चुके हैं और मज़े से अपनी टी जो है वो इंजॉय करते हैं, टी पार्टी, है ना? यम्मी यम्मी, कितना चीज़ी लग रहा है अल्फ्रेडो पास्ता, बहुत चीज़ी है। दही बल्ले भी मेरे फेवरेट हैं और चीज़ी चीज़ी है, बहुत चीज़ी है, बहुत चीज़ी है। हाँ जी, तो आयशा भाजी ने हमें शाम से बुलाया हुआ था लेकिन मेरी ट्यूशन्स की वजह से हिंड्रेंस हो रही होती है हर जगह आने जाने में, तो मैं ट्यूशन से फारिग हुई थी। तो फिर 8 बजे के करीब बस फिर हम उनके घर पहुँच गए थे और हमने इंजॉय की थी ये यम्मी सी टी पार्टी जिसमें था अल्फ्रेडो पास्ता चीज़ी चीज़ी वाइट सॉस के साथ और यहाँ पर थे दही बड़े और इसके साथ ही साथ यहाँ पर थे रोल और आलू के समोसे जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा यहाँ पर थे कॉफ़ी बिस्किट्स, थे कटलेट्स, थे और चॉकलेट बिस्किट्स, थे केक्स था और ज़ीरा बिस्किट्स थे। तो यहाँ पर जो है मैं इंजॉय करने लगी हूँ अपना यम्मी यम्मी सा जो है वो अल्फ्रेडो पास्ता और ये सबसे हॉट फेवरेट डिश और हिट डिश थी उस दिन की, क्योंकि सब बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। वाकई में इसको खा के दिल नहीं भर रहा था और बार बार खाने का दिल चाह रहा था। अभी मैं अपना समोसा एंड रोल इंजॉय कर रही हूँ और मुझे ये वाले समोसे बहुत टेस्टी लगते हैं, आलू समोसा एंड कटलेट तो सभी के फेवरेट होते हैं। इस वक्त हम सब अपनी अपनी चीज़ें खाने में मसरूफ़ हैं और सबकी जो कंसंट्रेशन है वो अपनी अपनी प्लेट पर है, वही ना? तो बहुत यम्मी है सारी चीज़ें। दही बड़े जो है वो भी मैं अभी ट्राई करती हूँ, पहले मैं जो है अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो मैं ट्राई करती हूँ, फिलहाल मैं जो है अपना रोल इन्जॉय कर रही हूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है टी पार्टी का, और वैसे भी भूख फुल जैसे कहते हैं ना लगी हुई थी तो और मज़ा आ रहा है। फिर हम सब फायर। थैंक यू हमेशा, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी टी पार्टी के लिए। वैसे तो आप मम्मा को थैंक यू करना चाहिए लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। वाइट सॉस पास्ता भी मैं खा रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी है, बहुत टेस्टी है, बहुत क्रीमी है, चीज़ी है, बहुत ज़्यादा चीज़ी है इसके साथ। इतना फुलफिलिंग नहीं है, मतलब खाया जा रहा है, बहुत टेस्टी है, है ना माला? इतना हैवी भी नहीं हो रहा है ना, लाइट सा है, बेस इसकी बहुत लाइट है, बहुत मज़े का लग रहा है। नॉर्मली इतना नहीं इंसान कंज्यूम कर पाता, बहुत हैवी हो जाता है ना। अभी तक मैं तो उससे नहीं हट रही है, बहुत टेस्टी है, बहुत फुल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खा लिया है, रोल भी खा लिए हैं माला।
रोल भी खानी है, समोसे भी खानी है, और अभी मैंने कटलेट ट्राई नहीं किया, बूंदी भी मैं दही बड़े जो है वो भी खा लिए हैं, और अभी मैं पास्ता फिर से दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा फुल हो गया है। माला कल आनू और मैंने मिलकर वो देखी, अपूर्वा अपूर्वा देखी है, हाँ जुगनू भाई, पिंके, बहुत मज़ा आया, पिंके, हाँ पिंके, पिंकी मेरी पिंकी हुई है, चलो जी बहुत मज़ा आ रहा है। माय स्केच बुक जिसमें मैं बनाती हूँ स्केचिंग, इसमें मैं करती हूँ स्केचिंग, तो सबसे पहले ये मेरी पहली स्केच। हाँ इज अगेन हियर विद हर क्रिएटिविटी। यस, सो आपने पिछली तो देखी होंगी। अब क्या डूडल्स किया है माला? अब मैंने ये बनाए हैं सबसे पहले, और फिर मैंने इस तरह, मैंने पहले सर्कल्स बनाए थे, फिर मुझे आइडिया आया, फिर मैंने उसको इस तरह बना दिया। मैंने सोचा माई रियल वेकेशन आर स्टार्ट नाउ, कराची ट्रिप शुरू। फिर मैंने हाथ, आई गेस मैंने पहले शेयर किया था ये वाला फ्री पैलेस्टाइन वाला, फ्री पैलेस्टाइन वाला किया था। तो अभी हम जा रहे हैं वॉकिंग पे, और वॉकिंग पे जा रही हूँ मैं, और साथ ही साथ मैंने रोल उठा लिया, रोल करते हुए जाएंगे वॉकिंग पे, और मज़ा आएगा। हाँ बाहर गर्मी है, अंदर ठंडा था। अनु अनु इंजॉइंग, अनु बिस्किट इंजॉय कर रहा है। मैंने रोल उठा लिया है, माला ने भी मुझे लिप नेल पॉलिश लगाई है, नॉर्मली मैं नहीं वेयर कर रही होती क्योंकि क्या थी पील ऑफ थी, इसलिए मैंने लगा लिया नेल पॉलिश, वरना मैं नहीं वेयर कर रही होती, है ना माला? भूख लग गई है। पानी पी लो, रोल खा लो, आ जाओ गाइस, नहीं हाँ आ जाओ फ्रेंड्स, रोटी खा लो। उस कराची की तरफ भी वहाँ से लग गए हैं, तो एकदम से जैसे लू नहीं लगती वैसे लू सी लग रही है ना माला और अमीशा? हाँ जी। तो अभी हम लोग वॉकिंग पे निकल आए हैं, और यहाँ पर हम झूले भी झूलेंगे एज यूजुअल, चोरबंदी करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाँ, जैसे एज यूजुअल हमेशा करते आ रहे हैं। माला सर्दियों में हमने लिया था झूला, उसके बाद नहीं लिया है ना, अभी लेंगे। उसके बाद में आई थी जे मैडम, पर हमने लिया नहीं था, यहाँ पर बच्चे थे, दोपहर का वक्त था, हम लोग वॉकिंग करके बस अंदर चले गए थे, है ना? अभी लेंगे राइड्स, अभी लेंगे हम राइड्स। यार कसम से मेरी नी का वो होगी इंजरी, नहीं तो वो मंकी बार पे चढ़ने का बड़ा मजा आता है, है ना ख्याल से माला? हाँ जी। तो बाजी का ये एरिया काफ़ी सेफ सा है, तो इस वजह से यहाँ पे वॉकिंग करके बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ये तो दरख्त बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ। अनु मैंने अभी तक वो अपलोड ही किया, वो शॉट ना जो बनाया था, वाओ जबरदस्त, मैरी गोल्ड्स कहते हैं ना इनको, हाँ गेंदे के फूल को मैरी गोल्ड कहते हैं, इसी के तो गजरे बनते हैं वो मेहंदियों पर। माला दिस इज द डॉग पूल, तो मैं लीड कर रही हूँ इन सबको, मेरे साथ है रियान एंड देन रमीशा एंड देन माला, और तो बाजी लोग आगे चल रही है। माला क्या कर रही हो? वाओ बहुत जबरदस्त लगा, किसी हीरोइन का कोई शॉट था। माला गंदी माला, चलो माला गरम मसाला। हाँ जी। तो घर में बैठे बैठे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो हमने कहा क्यों ना बाहर चलें वॉकिंग करें और एंजॉय करें और थोड़ी हवा भी खाएं, बाहर भी हवा बंद सी थी। गर्मी लगती है कहाँ, हेलीकॉप्टर वही होगा, हाँ वो ये देखा उसकी भी आवाज़ आ रही है एम्बुलेंस की, मुझे ड्रोन लग रहा है कोई टाइप, ड्रोन टाइप चीज़ है। हाँ जी। तो यहाँ पर अब हम आ गए थे बच्चों के बहुत इसरार पर पार्क में आ गए थे, और बच्चों ने राइड्स, तो आजकल के बच्चे थोड़े सुस्त हैं, राइड्स तो इतनी कोई खास लेनी नहीं होती, उन्हें अट्रैक्शन हो रही होती है, और यहाँ पर स्विंग मुझे तो अपना बचपन ही आ जाता है, और ये मैं और मेरा भाई जो है मंकी बार पर पागलों की तरह चढ़ रहे होते थे बचपन में, और स्विंग तो हम लोग हमारी भी कॉलोनी में होते थे, तो हमें हमारी भी कॉलोनी होती थी, सेफ्टी होती थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्विंग पर जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते थे, और स्विंग और स्लाइड लेना बहुत 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 फेवरेट होता।
मशाला होता था। और हिना बाजी तो सबसे मुझे भी बिठाकर इतना ऊंचा ले जाती थी कि बहुत हॉरीफाइंग होता था वो नज़ारा। लेकिन खैर बचपन की याद ताज़ी हो गई थी और हम यहाँ पर जो है अब जो है वो बैठेंगे और स्लाइड लेंगे। ले ले फिर मैं लूँगी, फिर मेरा बच्चा फिर मैं लूँगी। माला आप ले लो। वो नहीं, मैं मुझे रिकॉर्ड करो। अच्छा मैं लेती हूँ माला आपको। अम्मा बाबा को बोलो लाए थे तो ऑन करा लेते। माला हेलो, हाय माला, अनु एंड माला आर स्विंगिंग। अच्छा जी, अच्छा खासा लॉन्ग स्विंग है माला। हाँ बहुत मुनी, बहुत ऊपर तक जाता है। 360 360 माला ऊपर से घूम के वापस आएगी। हाँ जब हमने झूला ले लिया है, झूला मैंने राइट ले लिया, मज़ा आया, सूंघ लिए हैं, बस अब घर जा रहे, थक गए हैं, बुड्ढे हो गए हैं, हम नहीं ली जाती हैं, है ना। आप तो जवान हो, हम बुड्ढे हो गए हैं ना। ये तो चार, हाँ मैं ले ली, ऐसे लगेगा परी सो गई है कोई, है ना। किसम से परा, परी साइज का परा। रियान 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 लिफ्ट नहीं करा रहा। मैं आई थी छोटे छोटे थे ना ग्रेप्स, अब बड़े हो गए होंगे ना बंचेस। मैडम मैंने सुबह में चले जाना है, यहाँ पे पानी सुबह सुबह बहुत सुबह की ड्रिजलिंग हो रही है। कौन कहाँ गया जूम करके, ये रहे ये रहे। और मामा जब मैं आई थी कितने छोटे छोटे थे, राई के दाने के बराबर थे, कितना प्यारा लग रहा है। मोनी वो ऊपर ऊपर बहुत लंबे लंबे है, हम निकालेंगे हमारे यार। ये हमारे दादा के घर होते थे, है ना, बहुत यम्मी यम्मी खट्टे, हमने पूरा तोड़ लिया, हम जाके अंदर खट्टा खट्टा खाएंगे बहुत। अभी रमीशा अल्लाह की कुदरत देखो, अभी तक ट्रांसपेरेंट भी नहीं हुए हैं। वो फ्लाई कर, वो जो हॉप कर रही है, वो उद, वो बेटी आपको लाओ, आपको मैं पार कराऊं, आ जाओ आ जाओ। वो है बहुत ही रमीशा, आ जाओ आ जाओ। ऐसा अजीब सा वो है, बहुत बड़ा सा अजीब सा वो था इंसेक्ट, बहुत ही बड़ा था उसकी, वो टेंटिकल्स इतने बड़े थे, बहुत जबरदस्त, बहुत खतरनाक टेंटिकल्स थे। माला उसका शेडो हार्ट लग रहा है। हाँ कितने प्यारे लग रहे हैं। फाइनली एक तोड़ के लाए हैं, खाएंगे खट्टा खट्टा। मेरी आज उतारी जा रही है माला, आपकी पारा मेरी टेढ़ा। मैं ऐसे भी जब माला आपके घर आते हैं हमको इसी तरह पहले पता चल जाता है, अब जाएंगे खट्टे खट्टे खाए। हाँ जी, तो ये है नेक्स्ट डे की सुबह और मैं बहुत उदास थी। बाजी ने मेरे लिए नाश्ता बनवा दिया था, मुझे जाना था। पता नहीं बहुत टाइट है माला, मुझसे भी नहीं खुल। हाँ जी, तो रात को खूब बातें की हैं बाजी के घर और खूब मज़ा आया, खूब बातें बातें की और इन्जॉय किया। अभी भी बच्चे सो रहे हैं क्योंकि सुबह 7-8 बजे तक बच्चे उठे हुए थे, बातें कर रहे थे, अभी भी बच्चे सो रहे हैं। और बस अब मेरा जो है वो टाइम हो गया है तो मैं वापस घर जा रही हूँ क्योंकि ट्यूशन का टाइम होने वाला है, 2:45 हो गए हैं। तो बस अभी निकलेंगे और घर पहुँचेंगे और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे। तो बस ये था मेरा बाजी के घर का छोटा सा व्लॉग जो मैंने शूट किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और इंतज़ार कीजिए मेरे आने वाली दूसरी वीडियो का और जाके पूरा व्लॉग देखें। अल्लाह हाफिज़, मिलूंगी आप लोगों से फिर, बाय बाय, दूसरी किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हाँ जी, तो यहाँ पे आके मैं गाड़ी में बैठ गई थी और अब मैं जा रही हूँ घर। मैंने बाजी से इसी शर्ट पर मैं आई थी, बाजी मुझे इतना बुलाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं कि तुम नहीं आती हो, पर मैं क्या करूँ, मेरी कमिटमेंट्स हैं। और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं रह पाऊँ और ज़्यादातर ये होता है कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जाती ज़रूर हूँ 2-3 दिन के लिए, लेकिन अभी जो था सिर्फ एक नाइट के लिए मैं आई थी। और अभी बिल्कुल रात को सब लेट्स हुए थे बातें बातें करके और अभी तो बिल्कुल आने का दिल नहीं चाह रहा था, बहुत दिल उदास हो रहा था। और जब भी हम सब इकट्ठे होते हैं ना तो फिर बिल्कुल ही दिल नहीं चाह रहा होता कि एक दूसरे को कंपनी को छोड़ कर इधर उधर जाएँ। तो खैर अब मुझे वापस जाना था, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और मेरे सारे बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, कोई ऐसा कोई टका स्कूल नहीं है जिसके पेपर्स ना हो रहे हों सिवाय एफसेक सिस्टम के। तो बस जी, सारे बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं तो मुझे जाना था वापस, अब मैं जा रही हूँ बड़ी बेदिली से, पर जाना तो ज़रूरी था। और अब हम यहाँ पर घर के करीब आ गए थे और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे अब्बू का घर भी यहीं पर है।
यानी कि मेरे प्यारे अबू का कब्रिस्तान भी यहीं से इसी रास्ते से आगे जाके आता है, और यहाँ से मोड़ मुड़ जाओ ना जहाँ पर ये फूट की वो खड़ी हुई है रेड़ी, इसके यहाँ से मुड़ते हैं सीधा जाते हैं तो अबू का कब्रिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पर से हमेशा गुजरते हुए मैं फातिहा पढ़ लेती हूँ, और बस ये मैंने कहा चले आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ। हमारा जो रोड है ना वो जन्नत चौक मैं इसको कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट की तो रेड़ियाँ इतनी आपको मिलेंगी, इतनी मिलेंगी जिसको देखकर आंखें ठंडी हो जाती हैं, और बड़ा प्यारा लग रहा होता है। ठंडा ठंडा सा, इतनी गर्मी में ठंडा सा एक रूम में ना ठंडक सी उतर जाती है। तो यहाँ पर जो है वो बेतहाशा जो है वो फ्रूट की रेड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा होता है, और एक जन्नत का सा नज़ारा लग रहा होता है कि हर किस्म का, हर टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, हर किस्म के फ्रूट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो बस अब मैं जा रही थी, दिल उदास हो रहा था। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलूँगी फिर, अल्लाह हाफिज़।